नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको असाधारण लोगों की साधारण बातें बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों की आपने नाम सुने होंगे, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन, निकोला टेस्ला, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम या सर आइजैक न्यूटन। बट दोस्तों, ये लोग एक असाधारण आदमी होते हुए इन लोगों की कहानी बहुत ही साधारण रही है। जैसे कि दोस्तों, निकोला टेस्ला, अल्बर्ट आइंस्टाइन, ये लोग ऐसे साइंटिस्ट रहे हैं जिन लोगों की बचपन में उन्हें मंद बुद्धि कहा जाता था इवन, और उन्हें बहुत सारे टीचर्स लोगों ने भी काफ़ी अवॉइड किया था। दोस्तों, आपको ये जान के हैरानी होगी कि निकोला टेस्ला, जिन्होंने कि AC सर्किट का आविष्कार किया था, एक ज़माना था जब उन्हें बचपन में उनके टीचर ने ये कह के उन्हें क्लास बंद कर दिया था कि ये बच्चे के लिए कोई अध्यापक पढ़ाने योग्य टीचर नहीं है। ये एक चिट्ठी में उनके मम्मी के पास पहुंचाया गया था। उसके बाद दोस्तों, उनकी मम्मी ने उन्हें कंटिन्यूसली खुद ही गाइड किया और पढ़ाया, और आगे जाके वो बहुत बड़े साइंटिस्ट बने, जो कि बाद में AC सर्किट और बहुत सारी चीज़ों का आविष्कार किए थे। इसी प्रकार से दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिनको कि आज कौन नहीं जानता होगा, जिन्होंने कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से लेके एटॉमिक्स पे काफ़ी रिसर्च किए और बाद में उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था, उन्हें भी दोस्तों अपने बचपन में उन्हें काफ़ी मंदबुद्धि बोला जाता था, और शुरुआती दौर में तो वो म्यूजिक से काफ़ी रिलेशन था, लेकिन बाद में दोस्तों उन्होंने खुद को साबित किया। एक समय था कि दोस्तों, आइंस्टाइन सर को एक टीचिंग पोस्ट के लिए जब अप्लाई किए थे, तो शायद वो भी एक्सेप्ट नहीं किया गया था, तो लास्टली इन्हें टेक्निकल असिस्टेंट के रूप में ज्वाइन करना पड़ा था, लेकिन बाद में अपने रिसर्च के दम पे वो काफ़ी आगे बढ़े और अपने कई आविष्कार दिखाए। दोस्तों, इसी प्रकार से कुछ और जो काफ़ी गरीब फैमिली, काफ़ी पुअर फैमिली से बिलोंग करते, उनमें से एक जाने माने नाम डॉक्टर कलाम सर थे, जो कि भारत के प्रेसिडेंट भी बने। शायद उनकी बचपन काफ़ी गरीबी से गुजरी। तो दोस्तों, ये सब जो भी एक स्ट्रगल लाइफ रही है इन साइंटिस्ट लोगों की, उनकी मैं बातें कर रहा हूँ कि वो अपने जीवन में जीरो से काफ़ी आगे जाके इन्फिनिटी तक की सफ़र भी तय किए। दोस्तों, हमें ये पता चलता है कि एक जो रास्ता इन्होंने तय किया है, वो हम भी कर सकते हैं, आपके अंदर भी स्टेमिना हो सकती है। दोस्तों, किसी को भी मंद बुद्धि कब कहा जाता है? दोस्तों, उन्हें या तो लोग समझ नहीं पाते हैं, या फिर सामने वाले को वे नहीं समझ पाते हैं, तो उन्हें लोग मंद बुद्धि बोल देते हैं। परंतु उनके अंदर क्या काबिलियत है, किसी भी इंसान के अंदर, उस इंसान को ही केवल पता होता है। तो दोस्तों, अगर आपको कोई भी कुछ भी बोल रहा होता है, तो आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप अपने आप को केवल जानते हैं। किसी और से अगर आप एक्सटर्नली इफ़ेक्टेड रहेंगे, तो दोस्तों आप उनकी बातों में आ जाएंगे। और आपने अभी मैंने जैसे बताया कि इतने सारे साइंटिस्ट जिनको कि मंद बुद्धि बोला जाता था, अगर ये लोग उनकी बातें मान के अगर कुछ नहीं करते, तो शायद वो कुछ नहीं कर पाते, लेकिन उन्होंने सबको गलत साबित किया और अपने आप को साबित किया कि मैं सही हूँ। तो दोस्तों, अगर आप खुद को कुछ अच्छा करना चाहते हैं और कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो ऑफ कोर्स दोस्तों, आपको खुद को पहचानना ही होगा, और आप अपने आप को जब पहचान लेंगे, तो आप अपना गोल अचीव कर सकते हैं।